मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एस्पिन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं कि मई महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आएंगे। 3 मई को अक्षय तृतीया है, जिसकी लॉन्ग वीडियो हम अपने चैनल पर अलग से डाल देंगे। अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ आप जानते हैं, जो कभी भी खत्म ना हो। इस दिन किए गए बहुत सारे ऐसे पुण्य लाभ होंगे जो आपको करोड़ों गुना लाभ प्रदान करेंगे। इस दिन आपका कोई भी कर्म होगा वह बहुत ही अच्छा फलदायी होगा। मातंगी जयंती भी 3 मई को ही है, परशुराम दिवस है। परशुराम दिवस पर भी अन्य लॉन्ग जानकारी, लॉन्ग वीडियो हम बना करके आपको चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। 6 तारीख को होगा आद्य शंकराचार्य दिवस। आद्य शंकराचार्य जी आप जानते हैं कि सनातन धर्म के पहले ऐसे योगी, ऐसे महान आत्मा, महात्मा हुए हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अनेक चमत्कार किए हैं। इनकी लॉन्ग वीडियो आपको चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। 7 तारीख को है श्री रामानुजाचार्य जयंती और 7 तारीख को ही है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 8 मई को श्री गंगा सप्तमी या गंगोत्पत्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गंगा जी की महिमा आप जानते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, वह दिवस, उनका जन्मदिन 8 मई को ही मनाया जाएगा। गंगा के बारे में जो कुछ भी कहें वह कम है। आपके हर प्रकार के संकटों को, पापों को हरने वाली गंगा मैया से बढ़कर कोई भी अन्य ऐसी पावन पवित्र नदी नहीं है, जिसके जल के छींटों से ही आपके कष्टों का निवारण हो जाता है। 9 तारीख को है बगलामुखी जयंती। बगलामुखी जयंती माँ बगलामुखी का एक ऐसा विशेष पर्व, जिस दिन आप अनेक प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजा आराधना से आप शक्ति संपन्न हो जाते हैं। 10 तारीख को है श्री जानकी नवमी। 13 तारीख को होगी मीनाक्षी कल्याण रुक्मणी दिवस और 14 तारीख को है अशोक रात्रि व्रत। 14 तारीख को ही है श्री नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती आप जानते हैं भगवान विष्णु का ऐसा अवतार जिसमें उन्हें हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारकर धरती को पापों से मुक्त करवाया था। 14 तारीख को ही है छिन्नमस्तिका जयंती, माँ का ही एक ऐसा रूप जिन्होंने अपनी ही योगिनियों की प्यास बुझाने के लिए अपने ही शीश का बलिदान करके अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई थी और धरती से संकटों को हटाने के लिए अपनी भी बहुत बड़ा योगदान देकर के बलि दे दी थी। 15 तारीख को है श्री कूर्म जयंती। 16 को है बुद्ध पूर्णिमा, जिसे जल कुंभदान भी बोला जाएगा। 17 तारीख को है नारद जन्य वीणा दान। 19 तारीख को माँ आनंदमयी जन्म। 23 को संत दादू दयाल पुण्यतिथि। 27 तारीख को होगी मधुसूदन एकादशी। मधुसूदन आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान का ही अवतार, और एकादशी का महात्म्य कितना बड़ा है यह तो हम आपको बता ही नहीं सकते। एकादशी के नाम से हमने और भी कई वीडियो, लॉन्ग वीडियो चैनल पर डाल रखी हैं, जिसमें आप एकादशी के भारी महात्म्य को जान पाएंगे। 30 तारीख को है भावुका मावस वट पूजन, जिसे वट सावित्री व्रत या वट की पूजा का विशेष दिन बोला जाता है। इसी दिन 30 मई को ही है शनि जयंती, तो शनि देव को भी प्रसन्न करने का विशेष दिन। और 31 मई को है दशाश्वमेध घाट स्नानारंभ, तो इस दिन से स्नान करने की एक विशेष विधि जो आरंभ हो जाएगी वह आपको पता चलेगी, जिसकी लॉन्ग वीडियो हम चैनल पर जरूर लाएंगे। इस प्रकार से मई महीने के जितने विशेष पर्व हैं, सभी पर्व पर आप अनेक जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे, जो बाबा का आशीर्वाद एस्पिन चैनल पर आपको समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें, जय श्री राम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और बाबा का आशीर्वाद एस्पिन चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें, इससे हमारा उत्साह वर्धन होगा। जय श्री राम मित्रों।